खरगोन जिले के बड़वा में महेश्वर रोड रत्नपुर फाटे स्थित पेट्रोल पंप पर लूट की नियत से बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन का पर्स छीनकर फायरिंग कर दी। घटना में सेल्समैन जितेंद्र पटेल को 2 से 3 जगह फायरिंग के दौरान छर्रे लगे हैं। तुरंत ही पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के द्वारा घायल जितेंद्र को बड़वा के शासकीय अस्पताल लाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस कर्मी भी मौके पर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। वहीं पेट्रोल पंप संचालक आशीष चौरसिया का कहना है कि पेट्रोल पंप पर स्वयं सहित 3 लोगों से बदमाशों ने लूट की है। तीनों से 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर भाग गए। घटना की जानकारी लगते ही अस्पताल में घायल के रिश्तेदारों एवं परिचितों की भीड़ जमा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। पंप पे लूट हुई अभी। मेरा नाम आशीष चौरसिया है। ये रतनपुर फाटक का पंप है। यहाँ लूट हुई। 2 बाइक सवार आए, 4 जने थे 2 बाइक पे। उनने बंदूकें चलाई और छोड़े उनके पास से और मेरे पास से पैसे छीना के लेके गए। कितने लोगों से छीने पैसे? पैसे 3 लोगों से छुने, डीजल वाले से, पेट्रोल वाले से और एक हिसाब पलटा रहे थे उससे और एक मेरे से। लगभग कितने पैसे होंगे? अनुमानित पैसे नहीं पता, अभी हिसाब होगा उसके बाद पता चलेगी। एक मोटा अंदाज? मोटा 1 से 1.5 लाख का बीच। किसी व्यक्ति को गोली भी लगी है? एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसके सिर पे भी लगी है, तो उसको अभी बड़वा हॉस्पिटल भेजा है, उसका एक्सरे हो रही है, आप देखते हैं। एक दो गाड़ी आई तो उनको डीजल की मशीन की तरफ उनने गाड़ियां रोकी, उनको बोला कि उधर पेट्रोल डलवा लो। तो उनने एकदम, हम बैठे हुए थे 2 आदमी, तो उनने एकदम गोली मारी पीछे से, बैठ के पाउच खा रहे थे, एकदम गोली मारी पीछे से। हमने देखा कि क्या हुआ, खड़े होके देखा तो वो एकदम पास में आ गए और पैसे छीनने लग गए। एक भैया का मोबाइल छीना और वहीं पे फेंक गए और मेरा पर्स छीन के ले गए और फिर मेरे को 1-2 थर्रे और मारे और माथे में भी मारे, कट्टा माथे में मारा। उसके घटना के पहले उसने कुछ पूछा क्या आपसे, बातचीत करी थी क्या? नहीं, एकदम ही उन्होंने मार दिया ऐसा। क्या बाइक से थे वो दोनों? कितने बाइक से? 4-5 मोटरसाइकिल से थे। हाँ, मोटरसाइकिल पे। आप पंप पे क्या काम करते हैं? मैं पंप नवजत चलाता हूँ, डीजल पेट्रोल डालते हैं। 7:20 बजे 4 अज्ञात बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पे आए हैं। उनके चेहरे बंधे हुए थे, मुँह ढका हुआ था और उन्होंने यहाँ आकर के गोली चला करके करीब 35,000 रुपये लूट की घटना कारित की है। इसमें एक कर्मचारी को इनकी चोट भी आई है। गोली चलने की बात भी आ रही है सामने? हाँ, गोली चला के उन्होंने लूट की है यहाँ पर और हमने लूट की धाराओं में मामला कायम कर लिया है और उसकी गोली चला के दाएँ। लूट की राशि क्या है मालूम पड़ी सर? अभी इन्होंने बताया है जैसे कि 35,000 रुपये इनके जेब में से थे, इनको बोला पैसे निकालते हैं, इन्होंने निकाल के 35,000 रुपये दिए। 3 लोगों से अलग अलग लूट हुई है? 3 लोगों से नहीं, बाकी दूसरों के पास में एक कर्मचारी ने बताया कि उसके पास से भी कोशिश की थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, कागज थे तो कर देंगे सर घटना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।